गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम एस के चौधरी एंड असिस्टेंट टीचर ऑफ बाल भारती इंग्लिश स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस फॉर स्टैंडर्ड 4, चैप्टर नेम मेकिंग ऑफ फूडिंग प्लांट्स। चैप्टर नेम मेकिंग ऑफ फूडिंग प्लांट्स। टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर आर गिवन बिलो। टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन लीफ। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीफ। नेक्स्ट व्हाट डू प्लांट्स डू विद द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड लास्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लोरोफिल और स्टोमाटा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल है क्या? द ग्रीन कलर पिगामेंट प्रेजेंट इन लीफ इज नोन एज क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के पिगामेंट जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल कहलाते हैं। और स्टोमाटा भी जहां तक बात है, स्टोमाटा प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमाटा कहां प्रेजेंट होते हैं? तो लीफ के लोअर सरफेस पे, निचले सतह पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्स्ट्रा वाटर और गैस को एक्सचेंज करने का काम क्या है? यहां तक क्लियर हो गया क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर पिगामेंट प्रेजेंट इन लीफ इज नोन एज क्लोरोफिल। एंड एस्टोमाटा क्या है? तो एस्टोमाटा एक टीनी कोर्स है जो लीफ के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? तो गैस को एक्सचेंज करने का और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का। यहां तक क्लियर हो गया। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और अधिकांशता पेड़ पौधे ग्रीन कलर के हैं। अधिकांशता पेड़ पौधे किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो नन ग्रीन हैं। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, पत्तियों की बनावट और उसकी संरचना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले हम सबसे पहले एक ये पिक्चर को देखते हैं। ये पिक्चर लीफ का है। ये जो पार्ट को आप देख रहे हैं ये स्टीम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टीम कहलाता है, तना कहलाता है। और पत्ती और तना जो आपस में जुड़े होते हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पार्ट नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। और उसके बाद ये जो आप फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस ग्रीन कलर का, ये पूरा का सरफेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो लेमिना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेमिना। यहां तक क्लियर हो गया। और ये जो आप छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं, अनेकों डायरेक्शन में ये अंदर इधर से उधर गए हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वेंस कहेंगे। अब आगे देखते हैं, ये जो मिडल में जो ये रीब है, ये एक लाइन जो यहां से यहां तक गई हुई है, इसको मिड रीब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रीब। और ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस जो है वो क्या कहलाता है? लीफ मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? लीफ मार्जिन। और लास्ट ये नुकीला पोर्शन जो है, ये नुकीला पोर्शन जो है आगे वाला जो भाग है, यह क्या कहलाता है? लीफ एपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लीफ एपेक्स कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपका स्टीम हुआ, ये जो पूरा पार्ट है ग्रीन कलर का सरफेस जो है वो लेमिना है, ये जो आप वेंस देख रहे हैं, ये नसें जो देख रहे हैं ये आपका वेंस कहलाते हैं, ये आपका नुकीला पार्ट जो है आगे वाला पोर्शन ये लीफ एपेक्स है, ये आपका लीफ मार्जिन है, ये जो सरफेस है बाहरी वाला ये लीफ मार्जिन है, और ये मिडल है जो ये क्या है? मिड लीफ। यहां तक क्लियर हो गया। अब हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन लीफ। हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन लीफ, पत्तों में भोजन कैसे तैयार होते हैं, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। यहां देखिए ये जो पिक्चर है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और भोजन जो बनता है वो पेड़ पौधे के किस भाग में बनता है? तो लीफ में ही बनता है। किस भाग में बनता है बच्चों? तो लीफ में बनता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीफ में जो क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या है? कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है। और इसके अलावा एनवायरमेंट से वो CO2 को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रूट जो है सॉइल से मिनरल और वाटर को ट्रैप करके प्लांट्स के होल पार्ट में पहुंचाते हैं। और इसके अलावा ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, CO2, H2O और मिनरल्स, CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कहने का मतलब वाटर, और मिनरल्स, ये तीनों चीज क्या कहलाते हैं? तो ये तीनों चीज रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और इसके अलावा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति भी अनिवार्य है। और प्रोडक्ट के रूप में जो तैयार होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज ये प्लांट्स एनर्जी के रूप में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो फिर वो एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ये जो ग्लूकोज है उसका जो
केमिकल नाम है वो C6H12O6 है, C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का रासायनिक नाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन लीफ, पत्तियों में कैसे भोजन बनते हैं, तो पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल सबको अवशोषित करके प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और क्या चीज प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में निकलते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का यूज ये अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ करने में, मेंटेन बॉडी को रखने में यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ, क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्तियों का काम क्या है। सबसे पहला वर्ग, टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर। ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे आसानी से गैसों का एक्सचेंज हो सके और वाटर का रिमूवल हो सके। फिर से सुनिए, लीफ का फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन, टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला जो फंक्शन है वो क्या है, टू हेल्प इन कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स। लीफ जो है वो वाटर को संग्रहित करते हैं किनके लिए, प्लांट के लिए, किनके लिए, प्लांट के लिए। लीफ जो है वो वाटर का कलेक्शन करते हैं किसके लिए, फॉर द प्लांट के लिए। ओके क्लियर। अब अगला है, टू प्रोवाइड शेड टू द स्टीम एंड रूट सिस्टम बिलो। इसके अलावा पत्ती जो है वो शेड प्रदान करते हैं स्टीम को और रूट सिस्टम को, स्टीम को और रूट सिस्टम को। ये जो थे ये तीनों लीफ के फंक्शंस थे, क्या थे, लीफ के फंक्शंस थे, पत्तियों के काम थे। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट डू प्लांट्स डू विद द एनर्जी स्टोरेड इन ग्लूकोज। व्हाट डू प्लांट्स डू विद द एनर्जी स्टोरेड इन ग्लूकोज। प्लांट्स जो एनर्जी को स्टोर करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, उसका वो करते क्या है। सबसे पहला, अपने आप को ग्रोथ में यूज करते हैं, मींस बढ़ने में, पेड़ पौधे बढ़ने में ग्लूकोज का यूज करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। इसके अलावा सेल के निर्माण में यूज करते हैं। इसके अलावा जो टिश्यू वॉर्न आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको रिपेयर करने में एनर्जी का यूज करते हैं। तो एनर्जी प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट्स एनर्जी को स्टोर करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो उस एनर्जी का वो करता क्या है, तो प्लांट्स जब हम बोते हैं तो छोटा रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो प्लांट्स एनर्जी ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो उसके पत्ती तने या कोई भाग टूट जाता है, तो फिर से उसको नया तैयार करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी के रूप में ग्लूकोज का यूज करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए ग्लूकोज का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स। मैंने पहले ही बताया था कि अधिकांशतः पौधे जो पृथ्वी पर हैं वो ग्रीन हैं, और कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो नॉन ग्रीन है, इट मींस उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होंगे। और मैंने बताया था कि प्लांट्स को भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल की अनिवार्यता जरूरी है, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी प्रक्रिया इस प्लांट्स में नहीं होते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है इस प्लांट्स में नहीं होते हैं। और आप जानते हैं, आपने पहली कक्षा में पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इट मींस वो भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये आपका माउस है और दूसरा मशरूम है। दूसरा क्या है, मशरूम है। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं, और ये भोजन के लिए किसी दूसरे वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं। पहला तो आप जान लीजिए कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स हेटरोट्रॉप हैं और प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और एनिमल्स भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। एनिमल्स भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया और ये हम कंज्यूमर हो गए। क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। जितने भी जीव हैं, चाहे जानवर हो, चाहे सजीव प्राणी हो, चाहे वह ह्यूमन बींग्स हो, वो भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स
हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज हम रिस्पिरेशन क्रिया में करते हैं। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, तो रिस्पिरेशन में हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जब हमारे रिस्पिरेशन क्रिया में यूज हो जाते हैं, उसके बाद जो हम लोग CO2 रिलीज करते हैं, CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इस तरह से इन्वायरमेंट में CO2 और O2 की मात्रा बनी रहती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्लांट्स और एनिमल कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, तो पहला आप कहेगा भोजन के लिए, क्या चीज के लिए, भोजन के लिए, और दूसरा जो कहेगा वो CO2 और O2 के लिए। CO2 के लिए प्लांट्स निर्भर होते हैं एनिमल्स पर, और एनिमल O2 के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सारे टॉपिक्स को मैंने बता दिया, और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम अगले वीडियो में उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।